हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ दीपावली की वॉल हैंगिंग डेकोरेशन लेकर। एक्चुअली मैंने कैंडल होल्डर हैंग करने वाले बनाए हैं, ये देखिए इनका लुक। तो इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकती हैं। ये कार्डबोर्ड की मदद से मैंने और कुछ कलर्स की मदद से बनाए हैं। थोड़ी सी मेरे पास मिरर भी पड़े हुए थे तो उन्हें भी लगा दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली मैंने दीवार पर लगाए तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो आप भी इन्हें ट्राई करें। के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड में मैंने पहले से ही ये दीपक का शेप में बना के रखा हुआ है। इस पर सही से दीपक को ड्रॉ करेंगे और सीजर की मदद से कट कर लेंगे। तो मैं इसे कट कर लूँगी। अभी मैंने वाइट कलर लिया है, वाइट एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर लूँगी, क्योंकि जो भी कलर मैं बाद में इस पर अप्लाई करूँ वो सही से अच्छे से निकल कर आए। एक्चुअली डायरेक्टली मैं पेंट करने लग जाती तो उसका कलर अच्छा नहीं आता, तो इसे मैं येलो कलर से कर दूँगी इस पर। इसी तरह के मैंने थ्री कलर और बनाए हैं, जिसमें कि एक ब्लू है, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये यदि आप गर्ल्स में से हैं तो आप ये जानती होंगी कि दीपावली की डेकोरेशन के टाइम निकाल कर ये क्राफ्ट्स वगैरह बनाना कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो फिर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि वीडियो अपलोड करूँगी नहीं तो प्रॉब्लम होने लगेगी, व्यूज़ नहीं आएंगे। एक्चुअली व्यूज़ तो आते भी नहीं हैं, ये तो आप देख सकती हैं। बट यदि आप अपलोड नहीं करेंगी तो थोड़ा और प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए मुझे बनाने ही पड़ते हैं। यदि मैं शाम में बनाती हूँ तो मैं कुछ वीडियो सही से नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि दिन में अगर टाइम ना मिले तो मुझे रात में भी वीडियोस बनाने पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी मैं सही से शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यदि आप सही से ना देख पाएँ तो शॉर्ट्स देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट मैं दूसरे दिन शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम लगता है ये चीज़ें बनाने में। तो आपके पास जो भी फालतू की चीज़ें पड़ी हों उनसे भी आप बना सकती हैं। आप मिरर की जगह, मिरर आपके पास ना हो तो इसमें आप मोतियों को लगा सकती हैं, जो कटिंग वाले मोती होते हैं उन्हें लगा कर आप इसे बना सकती हैं। यदि मोती भी ना हो तो आप सिर्फ कलर से ही बना सकती हैं, कलर का ही यूज़ कर लें। बट यदि आपके पास कलर भी नहीं है तो आपके पास जो भी कलर हो, जिस तरह का, एक्चुअली कलर तो कहीं भी मिल जाते हैं, तो आप स्केच से बना लें, स्केच से भी अच्छे बन जाएंगे तो अच्छे ही लगेंगे। यदि आप दीपक के लिए बनाना चाहती हैं तो दीपक के लिए आपको हैंग करने के लिए बनाने पड़ेंगे, तो आप उन्हें ट्राई कर सकती हैं। एक्चुअली मैंने दीपक वाले अभी तक बनाए तो नहीं हैं, बट यदि आपको दीपक वाले कैंडल होल्डर चाहिए तो आप कमेंट करके कहिए, मैं आपको बना कर दूँगी। तो जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, यदि आपके पास एक भी चीज़ ना हो, जैसे कि मिरर है, कलर है, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसका यूज़ आप कर लेना। यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं और आपको बनाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए वो चीज़ बना के लाऊँगी जो आपके पास हो गई होगी। एक्चुअली जो चीज़ें आपके पास हैं मैं उनसे ही बनाकर दिखाऊंगी, जो 100% आपके पास अवेलेबल होंगी। तो मैं उसका वीडियो दीपावली से पहले ही अपलोड कर दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। और आप भी अपने घर में इस तरह की वॉल डेकोरेशन के लिए कैंडल होल्डर बना सकती हैं। एक्चुअली ये कैंडल ऑनलाइन आती हैं तो इन्हें आप ट्राई कर सकती हैं, नहीं तो यदि आपके पास ये ना हो तो आप डेकोरेशन के लिए भी इन्हें ट्राई कर सकती हैं, बिना कैंडल के भी ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, जो कि आपके पास चीज़ें रखी होंगी मैं उन्हीं से बनाना आपको सिखा दूंगी। तो फाइनली मैं इन्हें दीवार पर हैंग कर दी। तो इसके लिए मैंने दोनों साइड टेप का यूज़ किया है, उससे इसे हैंग किया है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।